यार आज मैं बनाने वाली हूँ खड़ा मसूर का टिक्की। तो चलिए हम टिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। तो टिक्की कैसे बनती है आज हम आपको बताते हैं। ये रात को हम दाल को भिगो दिया था, अब इसमें मैंने डाल दिया है और एक गिलास पानी इसमें डाल दिया। अब इसको हम एक सीटी लग जाएगी तब हम इसको उतार लेंगे। लगा दिया है, अब एक सीटी लग जाएगी तब हम दाल को निकाल लेंगे। तब तक हम चने का पीस लेते हैं। अब मैं चना को पीस कर, भुना हुआ चना है उसको मैं बारीक पीस लेती हूँ। आपके पास भुना हुआ नहीं है तो आप चना का दाल लेकर हल्का भून कर अब उसका भी पाउडर बना सकते हैं। एक सीटी लग चुकी है, गैस को मैं बंद कर दिया है। चने का भूरा बना लिया है, ये उबले हुए आलू रखा है मैंने, छील लिया है, उबाल लिया है। अब इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए हमारा हरा मसूर उबलकर तैयार हो चुका है अच्छी तरीके से। अब इसको हम छान लेते हैं। ये मैंने एक छन्नी में छान लिया है जिससे इसका पानी निकल जाए, क्योंकि जब इसको उबालते तो थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है दाल में। ये पानी इसका निकल रहा है, इसको छान लिया है। अब इसको हम कद्दूकस से इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं आलू को अच्छी तरीके से। देखिए सभी को इसी तरह का तरीके से हम कद्दूकस कर लेते हैं आलू को। सारे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले कद्दूकस आलू को मैंने कर लिया है। मैं इसमें दाल जो ये दाल को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। उसके बाद इसमें हम खड़ा मसूर का दाल उबला हुआ, अदरक 1 चम्मच, आप कूट लीजिए चॉप कर लीजिए, ये पुदीना मैंने कुछ रखा है, हरी मिर्च 3 काट कर मैंने इसमें रख लिया है। उसके बाद हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, आपके पास अमचूर पाउडर है तो अमचूर पाउडर भी आप डाल सकते हैं, नहीं है तो चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ डाल सकते हैं, या ऐसे भुना हुआ भी जीरा है तो भी आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं, लाल मिर्च ये 1/2 चम्मच, आप अब जितना आपको तीखा पसंद है उतना आप डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं, आपको कितना नमक पसंद है कितना नहीं। मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक डाला है। उसके बाद जो मैंने पाउडर बना रखा था चने का वो भी इसमें हम डाल दे रहे हैं। आपके पास पनीर है तो पनीर भी कद्दूकस करके आप डाल सकते हैं, नहीं बात नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पानी बिल्कुल नहीं रखना है। देखिए कितना बढ़िया और कितना सुंदर मसूर का खड़ा मसूर हमारा उबलकर तैयार हो चुका है। इसको मिक्स कर दिया, थोड़ा सा मैं 1 चम्मच तेल लेकर चिकना कर दे रही हूँ जिससे डो हमारा बहुत सुंदर और बहुत चिकना और बढ़िया हो जाए। थोड़ा और तेल लेकर मैं चिकना कर दे रही हूँ अच्छी तरीके से। अब हम इसको अच्छी तरह से, अब हम इसका टिक्की बना लेते हैं गोल गोल। टिक्का पैन या तवा आप ले सकते हैं। अब इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, पैन तेल इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से हम इसको हर तरफ फैला देते हैं। ये मैं टिक्की के लिए गोल गोल बॉल बनाकर
हल्के हल्के हाथ से इसको हम इसे पुश कर देते हैं। इसी तरह से हम सभी को बना लेते हैं। सभी को मैंने गोल गोल टिक्की बना लिया है। अब हम तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब तेल में हम हल्के हल्के टिक्की को डालेंगे। ये धीरे धीरे हम टिक्की को पलटेंगे, नहीं तो ये टिक्की हमारा टूट जाएगा, क्योंकि तेल में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। बाहर निकलने के बाद ठंडा होगा तो करारा हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको धीरे धीरे बिल्कुल बारीक बारीक से हम इसको पलटेंगे। इसलिए हम धीरे धीरे इसको हम पलट रहे हैं, हल्के हल्के इसको हम चम्मच के सहारे इसको हम पलट और इसको हम अच्छी तरीके टिक्की इसको हम फ्राई हो जाने देते हैं। थोड़ा देर तक हम इसको फ्राई करेंगे, जिससे अंदर तक ये पककर क्रिस्पी हो जाए और अच्छा बढ़िया बनकर हमारा टिक्की तैयार हो। ये देखिए कितना सुंदर, थोड़ा बहुत तो ये तो टूटेंगे ही, तेल में जाएंगे तो उसे घबराने की कोई बात नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया टिक्की हमारी पककर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल कम तेलों में और बहुत अच्छा बहुत क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारा मसूर, खड़ा मसूर का टिक्की जो घर में बनकर तैयार बिल्कुल 10 मिनट में। तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप ब्रेड में भी आप इसको टिक्की के जगह पे जो आलू के भरके बनाते हैं उसको भी आप इसके डालकर खा सकते हैं। तो देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया टिक्की हमारा बनकर तैयार हुआ है, एकदम क्रिस्पी। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है टिक्की। तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया अंदर से पककर भी तैयार हो चुका है। तो आप इस तरह बनाइए और खाइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।